गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी, प्रकरण 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो हमने अगले वीडियो में उसके जन्म के बारे में, उसने कौन सी पढ़ाई की और उसमें कौन सी साहस वृत्तियाँ थी, वो सब हमने देखा। तो आज भाग 5 में देखेंगे कि सुनीता को अंतरिक्ष की परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। तो जब सुनीता क्या है कि अंतरिक्ष की परी बनने में किसका हाथ है, तो कल्पना चावला की प्रेरणा है, यानी उसके प्रेरणा स्रोत को लिया है और प्रेरणा स्रोत काम किया है। पिछले 8 वर्षों में क्या है कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। तो सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला के साथ भी काम किया है और सुखद अनुभव की किया है। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोदा है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी बातें कल्पना चावला जानती थी और उनकी बातें भी उन्होंने सीखी थी। अब जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया, यानी अलग प्रकार की तालीम होती है तो वो प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। प्रशिक्षण होने के बाद फिर क्या है कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए वो खुद तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। यहाँ क्या है कि अंतरिक्ष में जो स्पेस में जाते हैं, वह स्टेशन में ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो ज़िंदगी वो आसान नहीं है। वो बहुत सारी मुश्किलियों का सामना करना पड़ता है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। हम जब पानी पीते हैं तो पानी नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो खाने में भी बहुत दिक्कत होती है और पीने में भी लौटने में मुश्किली होती है, क्योंकि वापस वहीं अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। जब शुरू में जाते हैं तो चलने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में अनुकूल नहीं होता है, इसलिए क्या है कि दिमाग चलता नहीं है और समय भी लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी प्रशिक्षण वो सब जानकारी ली, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहाँ यान किस प्रकार से रहता है और किसी गर्मी सहन करता है, गुरुत्वाकर्षण, उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। यानी स्पेसवॉक यानी वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ जो स्पेस शटल होते हैं उससे बाहर जाकर स्पेसवॉक करना है और वो तालीम अलग प्रकार से लेनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही थी। कितने दिन पानी के अंदर रही थी? तो 9 दिन, पूरे 9 दिन पानी के अंदर रही थी। उसका पूरा प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो उनका जो ये पूरे का पूरा प्रशिक्षण खत्म होने में 8 साल लग गए। 8 साल के बाद वो उनके प्रशिक्षण यानी तालीम पूर्ण करने में ज़्यादा समय लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 6 अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।